इधर बस्तर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने वर्षों पुराने वट वृक्ष को निर्ममता से छटनी कर दिया गया। स्थानीय लोग सहित भाजपा कार्यकर्ता इसे वट वृक्ष की हत्या मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने कटे वृक्ष के नीचे जमीन पर बैठकर मौन धारण दिया और वट वृक्ष की दीर्घायु के लिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए पूजा की गई एवं भगवान से कामना की गई। यह वट वृक्ष पुनः पुराने मूल स्वरूप में आए। साथ ही भाजपाइयों ने मौन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सरकार का पुतला भी दहन किया और कोतवाली में जाकर इस कुकृत्य में शामिल नेता अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज भी किया कराने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों की माने तो वटवृक्ष वर्षों पुराना था, ईश्वर की पहचान थी और धरोहर था और इस शारदीय नवरात्रि के पवित्र अवसर पर इसे काटकर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। शर्म करो, शर्म करो। सरकार शर्म करो, शर्म नहीं। निगम प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा 100 साल से अधिक पुराने वट वृक्ष को निर्ममता पूर्वक उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इसको इस प्रकार से काटा गया है कि उसका पुनर्संवर्धन होना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है और इसके संवर्धन के लिए जो भी प्रयास होगा विपक्ष के द्वारा वह भी किया जाएगा। जब इस पेड़ को काटने का पहला प्रयास हुआ और प्रकृति प्रेमियों ने इसे बचाया तो महापौर यहाँ पर आकर फोटो खिंचवाई, पेपर में छपवाई और इस यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधते हुए ये वादा किया कि मैं अब इसकी बहन हूँ और इसके इस पेड़ के रक्षा का वादा करती हूँ।